ओके गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और आपने हमारी स्पीति का व्लॉग पूरा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सीरीज जाके देखो, आई बटन के अंदर डिटेल्स हैं। और आज हम निकल गए हैं अपने नए ट्रिप के ऊपर। ये बहुत शॉर्ट ट्रिप है, जस्ट इन्जॉय करने के लिए जा रहे थे, तो जैसा ही थॉट कि क्यों ना कैमरा को भी साथ लेके चलते हैं और आपसे भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो इट विल बी आर टू डेज ट्रिप। वी आर गोइंग टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने से पहले क्यों जा रहे हैं हम, उसका ये रीज़न है क्योंकि हमने एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कराया है समवन स्पेशल के लिए। और आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे है, ये है चेस्टर। एंड ये चेस्टर किनके साथ है उससे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये है जतिन के साथ। सो मीट जतिन वंस अगेन। आपने हमारे मनाली वाले व्लॉग में देखा ही था, जतिन हमारे साथ थे और जतिन के साथ साथ मिसेस जतिन भी थी। सो हाय नमिता, हाय, वेलकम बैक। हाय चेस्टर, हेलो। चेस्टर ही आ रहा है। सो प्लान ये है, हमने जिम कॉर्बेट जाना है, बट कल ही हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ से जिम कॉर्बेट से पहले हरिद्वार होते हुए जाएंगे, तो वहाँ मथा टेकेंगे और वहीं से सीधा हम कॉर्बेट में जहाँ हमारा रिजॉर्ट हमने बुक किया था। और यह सिस्टम हमने इनिशियली पहली बार बुक करके गए हैं हम रिजॉर्ट, तो वहाँ जाएंगे और दो दिन इन्जॉय रिलैक्स करके जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो नमिता, हम लास्ट ईयर जनवरी में गए थे मनाली, उसके बाद हम अब जा रहे हैं, मतलब एक साल के बाद ही हो गया, तो कैसा लग रहा है, कितनी एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हूँ। और बाकी आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ चेस्टर भी जा रहा है, इसका फर्स्ट ट्रिप है, तो होप सो सब अच्छा जाए। बिल्कुल अच्छा जाएगा। जतिन भाई कैसा लग रहा है? मेरा काफी टाइम से मन था कि यार अब जाएं, ऑलमोस्ट देख ले जनवरी के बाद अब जा रहे हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, चेस्टर के लिए ज्यादा खुशी है ना? हाँ और क्या, चेस्टर के साथ भाई पहला ट्रिप, उसके साथ भी पर, और मेरे साथ पास तो वो आ भी नहीं रहा है। बाकी अभी आगे और भी ट्रिप्स होंगे, बहुत सारे ट्रिप्स मिस भी कर दिए हैं। हाँ देखो, ये थोड़ा टॉप सीक्रेट है कि अभी हमने आगे और कहाँ जाना है, सो टाइम साथ साथ बताएंगे धीरे धीरे। हाँ या। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हरिद्वार, अभी हम जाते हैं गंगा नदी के पास। अभी हमारे को हम आगे भी निकलना है, तो इसलिए हम हर की पौड़ी के पास नहीं जाएंगे, बट आपको नदी के पास लेके चलते हैं। कितना ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी है, जैसे ठंडा पानी। हमें तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा पानी है, मजे आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम बैठे हैं गंगा किनारे पे, पानी बहुत ही ठंडा लग रहा है और उस साइड पे शायद आरती की तैयारी चालू हो चुकी है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करके पैरों को आराम देके कुछ खा पी के फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो हम हो तो आए हैं गंगा नदी से होकर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम सबका, मैंने तो स्नान भी कर लिया था और अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खा के चाय वगैरह पीकर आगे निकलेंगे। और जैसा कि मोस्टली हमारे ट्रिप्स में हो ही जाता है, यहाँ भी बारिश हो गई है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, अब तो रुक गई है, बट यहाँ से कुछ खाएँगे, अब हम निकलेंगे आगे जिम कॉर्बेट के लिए और देखते हैं वहाँ पर हमें कैसा वेदर मिलता है, तो चलो चलते हैं। ओके गाइस, सो हम निकल गए हैं हरिद्वार से जिम कॉर्बेट के लिए और अपने रिजॉर्ट में जा रहे हैं। जतिन ड्राइव कर रहा है और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, दो मैं काफ़ी ज़्यादा थका हूँ, मैं दो दिन से ठीक से नहीं सोया, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि देयर इज़ समवन टू अंडरस्टैंड मी, सो आई कैन ट्रस्ट ईजिली, आई कैन स्लीप ईजिली एंड आई कैन शूट कम्फर्टेबली, नो नॉट ईजिली, कम्फर्टेबली, ईजिली तो शूटिंग नहीं होती है। ठीक है जतिन भाई, कब तक पहुँच जाएंगे वैसे? 3 घंटे दिखा रहा है, 3.5 घंटे, बाकी अच्छा। बारिश है, देखो कितना टाइम अच्छा। लगता है पता लगेगा। अच्छा अच्छा, बाकी चेस्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना परेशान करेगा, डन कर मैं करूंगा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। चलो चलते हैं फिर आगे।
रट्टा बढ़ गया रट्टा। ओके गाइस, तो हम अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। तो विलेज धीला के अंदर रिजॉर्ट है जिसका नाम है कॉर्बेट ट्रीट रिजॉर्ट, और काफ़ी ज़्यादा बारिश है यहाँ पे। हम जैसे कि आपने बीच में वीडियो के अंदर देखा भी था, जितना रूट है उसका रूट के अंदर बेसिकली ना सड़क ख़त्म ही हो गई है, ऑलमोस्ट बह गई थी बारिश की वजह से। कुछ लोकल्स मिले थे हमें, सो देवर सेंग कि कुछ ही कल ही कोई इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, और गाड़ी बहने की वजह से 9 लोगों की जो है मौत हो गई है। तो हम आउटर रोड से कवर करते हुए जा रहे हैं डीला विलेज की तरफ, और एक छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे, बायो ब्रेक। एक तत्व रिजॉर्ट है, इनके बाहर ही एक बना हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट है कुछ खाने पीने का। सो बस अब यहाँ से आगे निकलते हैं और देखते हैं, 15-20 मिनट का रास्ता और है वहाँ पहुँच के, पहले तो पहुँचते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है आगे, और आपके साथ शेयर करते हैं। ओ माय गॉड, चल 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 चल, खींच ले खींच ले खींच ले, लगे बजे खींच ले। ये देखो गाइस, ये था, ये फ्लो नीचे से बह रहा है इधर, और ये रहा एक और क्रॉसिंग। ओके गाइस, तो आपने देखा जैसे अभी वीडियो के अंदर, ये वाला बेसिकली नाला था, यहाँ पे जो ट्रैवलर था बह गया था, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था जिसमें 9 लोगों की डेथ हो गई थी जैसे हमने आपको बताया था। सो अभी तो इसका पानी कम था, बट कम होने के बावजूद भी ज़्यादा था। हमारे आगे भी कुछ गाड़ियाँ थी और अभी भी आगे जैसे आ रहे रास्ते के अंदर, थोड़ा थोड़ा पानी नाले का बह रहा है। ऊपर पहाड़ों पर बहुत बारिश हो रही थी, सो निकाल ली हमने गाड़ी। बट जतिन का कुछ और ही कहना है कि अगर, क्या जतिन क्या कह रहा था, अगर हमारे आगे कोई और कार नहीं निकल रही होती तो डेफिनेटली हम पहले कार्तिक को भेजते, एक बारी स्विम करके जाता, लेफ्ट देखता, उसके बाद हम जाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, थोड़ा सा ही रह गया, इट इज हार्डली 10 मिनट्स, सो लेट्स सी अभी आगे क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेड है, टीवी है, छोटी सी किचन है, फ्रिज है, एंड यहाँ पे अलमीरा भी है। और इसका बेस्ट पार्ट पता क्या है, अनदर रूम। यहाँ पे भी इन्होंने एक रूम दे रखा है, आई मीन बेड दे रखा है। यहाँ पे बाथरूम भी है, बाथरूम उस साइड भी है, तो दोनों के अलग अलग सेपरेट बाथरूम है। और अगर आपके पास पेट्स हैं और वो ज़्यादा शरारत कर रहे हैं तो आप उसको इस अलमीरा में डाल सकते हैं। कैन यू सी, वो काफ़ी ह्यूज है यार, काफ़ी स्पेशियस है, बड़ी अलमारी है, तहखाना सा लग रहा है। और इधर से हमारे पास है गार्डन व्यू, ठीक है। और जो हमारा दूसरा रूम था उसका व्यू आपको दिखाती हूँ मैं, पूल व्यू। और ऐसे हमें छोटी सी यहाँ बालकनी भी दे रखी है जहाँ पे जतिन और नमिता बैठे हैं। और यहाँ से सामने से आप देख सकते हो बिल्कुल फूल है, अभी इसमें शैतानी आई हुई है। तो ये हमारा ओवरऑल रूम व्यू था, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर कर दें। तो अभी हम मिलते हैं आपको सीधा पूल के अंदर। कैसा लग रहा है आप जाके, फाइनली थोड़ा अच्छा चेस्टर होता तो और मजा आता कि नहीं। हाँ गाइस, सो काफी मजा कर रहे हैं हम पूल के अंदर, काफी टाइम बाद। हाउ इज इट गाइस, इट्स अमेजिंग। सो चलिए अब चलते हैं यहाँ से, अब लंच का टाइम हो गया है। और जैसे आई थिंक आपको पीछे आवाज आ रही होगी, है चेस्टर की आवाज है,
जो रूम में बंद है बिकॉज डॉग्स पूल और रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है। सो आई वो कंटिन्यूसली भौंके जा रहा है। हाँ सो बिना किसी देरी के अब यहाँ से चलते हैं चेस्टर के पास और वहाँ से फिर लंच करते हैं। ओके गाइस, सो हम लंच करने आ गए हैं। तो इनका अपना अलग से एक रेस्टोरेंट बना है और काफ़ी सुंदर है, सिंपल सा बना रखा है और अंदर एक टेबल टेनिस का कोर्ट भी है। बाहर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो रही थी, बाहर भी सिटिंग एरिया है, बट हमने सोचा अंदर बैठ के खा लेते हैं खाने को, और काफ़ी डिसेंट और होम कुक्ड फूड काइंड ऑफ लग रहा है। सो आपको दिखाते हैं फटाफट से खाने में क्या और फटाफट खाते हैं। सो दिस इज दाल, पनीर, भिंडी, रायता, राइस, सलाद और रोटी। कैसा खाने में आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया? कैसा भिंडी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी अभी। कैसा है खाना? अभी दाल नहीं आई है बट कैसा चलते हैं? स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, पता नहीं बट दिखने में तो बहुत यमी है। सिंपल फूड घर जैसा। चलिए ठीक है, फिर अब लंच करते हैं और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दो दिन से सोया नहीं था तो अब रूम पर आ गए हैं तो थोड़ा सा सोता हूँ, तो छोटा सा नैप लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे शाम को। सो थोड़ा सा रेस्ट हो गया है और हम चाय पीने के लिए आ गए हैं, साथ में चाय और थोड़े से पकोड़े। तो लेट्स हैव द टी और उसके बाद दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। भाई चेयर्स फॉर दिस लवली ट्रिप। चेयर्स। चेयर्स। यहाँ पे कुछ अलग से सर्विसेज भी है, लाइक यहाँ पे चाय, मैगी, ऑमलेट वगैरह और इधर शेक्स वगैरह सब कुछ फ्रेश बनेगा, इसी टाइम बनेगा, आपके सामने बनेगा। तो ये इवनिंग सीन्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इंटीरियर कितना ब्यूटीफुल है, ऐसे बनाया हुआ है। ओके गाइस, सो अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। रूम में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे और लेट्स गो और देखते हैं डिनर में आज क्या है। ओके गाइस, सो डिनर कर रहे हैं हम और आज तो एकदम ना जैसे शाही डिनर टाइप है यहाँ पे। सो वी हैव दाल मखनी, शाही पनीर, चिली पनीर, आलू गोभी, फ्राइड राइस। और नॉन वेज में क्या है जतिन? नॉन वेज में पनीर, काली मिर्च चिकन। क्वान्टिटी पर मत जाना बट बहुत यमी है। और फ्राइड राइस भी अच्छे लग रहे हैं। चलें फिर करें डिनर फटाफट। ओके गाइस, सो दिस इज़ इट फ्रॉम द डे एंड आज के लिए इतना ही। अब रेस्ट करेंगे, सोएंगे और जो भी प्लान होगा वो हम आपसे कल का कल ही शेयर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।